बीकॉम पार्ट सेकंड के अंदर ईएफएम का जो फर्स्ट पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत अपन अभी तक पढ़ा था रेशो एनालिसिस के अंतर्गत एक्टिविटी चल रहे थे अपने, तो आज हम पढ़ेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड, औसत संग्रहण अवधि, यानी कि जो देनदार हैं या बीआर हैं उनसे कितनी अवधि में वापस पैसा प्राप्त होता है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है एवरेज रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर इनटू नंबर ऑफ मंथ और डेज इन ईयर, यानी कि एवरेज रिसीवेबल्स जो अपन ने पिछले वीडियो में देखा था डेटर्स टर्नओवर रेशो या रिसीव टर्नओवर रेशो, तो उसके अंतर्गत आपको एवरेज जो रिसीवेबल्स हैं इनको निकालने का फॉर्मूला बताया था कि जो डेटर्स हैं और बीआर हैं उनका ओपनिंग बैलेंस प्लस जो डेटर्स और बीआर जो क्लोज बैलेंस लेकर के डिवाइड टू करते हैं तो आपका ये एवरेज रिसीवेबल्स आ जाता है। और क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर आपको लेनी है, यानी कि टोटल ग्रॉस सेल्स यदि रखिए उसमें से कैश सेल्स आपको कम कर देनी है, सेल्स रिटर्न भी आपको उसमें कम कर देने हैं, और नंबर ऑफ मंथ और डेज इन ईयर, या तो आप मंथ ले लीजिए जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं वो ले लीजिए और एक साल में दिन होते हैं 365 दिन वो आप इसको कैंट कर सकते हैं। उससे आपका यदि आपने मंथ में लिया है तो मंथ में आएगा और यदि डेज में लिया है तो आपका आंसर डेज के अंतर्गत आएगा। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है कि मंथ और डेज इन ईयर अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो, यानी कि जो डेटर टर्नओवर रेशियो आपने कर रखा है तो उसको यदि हम मंथ या डेज के इस हिसाब से हम संबंध स्थापित करें तो ये भी आ सकता है। तो ये डायरेक्ट हो गया कि पहले आपको डेटर टर्नओवर से याद करना पड़ेगा, उसके बाद इसको इस फॉर्मूले के अंतर्गत भी आप याद कर सकते हैं। तो आपके पास चॉइस है कि आप चाहे तो इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं चाहे आप इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। अब जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है ये देनदारों से औसत जो वसूली होती है उसके औसत समय को बताता है। मान लीजिए इसके 60 डेज आते हैं या 40 डेज आते हैं तो इस बात का प्रमाण करते हैं कि जो देनदार हैं या जो बीआर हैं उनसे वसूली में औसत रूप से हमें 60 दिन लगते हैं या 40 दिन लगते हैं। तो अब यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि क्रेडिट सेल्स तरीके आपके 320,000 पे 320,000, सेल्स रिटर्न है 5,000, डेटर्स इन बीआर एज ऑन 31/3/2019 को 40,000 रुपए है, यानी कि यह ओपनिंग बैलेंस हो गया डेटर्स और बीआर दोनों का एक साथ उन्होंने मिला के 46,000, डेटर्स इन बीआर एज ऑन 31/3/2020 44,000, ये आपका हो गया क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स और बीआर दोनों का ही। तो इसको देखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एज ऑन 31/3/2020 को 1500 रुपए का ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। तो अब आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना होगा। तो सबसे पहले निकालना है आपको एवरेज के लिए आपको दो चीज चाहिए, ओपनिंग बैलेंस दोनों का डेटर्स और बीआर कितना है 46,000 प्लस क्लोजिंग बैलेंस है आपका डेटर्स और बीआर का 44,000, ये हो गया आपका 90,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया आपको 45,000। तो एवरेज जो रिसीव्स आ गया आपके 45,000। अब आपका नीचे देख क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर, क्रेडिट सेल्स कितनी आपकी 3,20,000 रुपए माइनस सेल्स रिटर्न 5,000 रुपए, सेल्स रिटर्न आपकी देखिए 5,000, ये हो गया आपका 3,15,000 रुपए। ये क्या गया आपकी क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर 3,15,000 रुपए। अब आपका जो फॉर्मूला है फिट कर दीजिए, एवरेज से आपकी 45,000, क्रेडिट सेल्स आपकी 3,15,000 और यदि हम डेज इन ईयर लेते हैं तो एक इस वर्ष में हम 365 दिन मान के चलते हैं। तो हम यहाँ पर इसको यदि हम कैलकुलेट करें 45,000 अपॉन 3,50,000 मल्टीप्लाई बाई 65, तो ये आ जाएगा लगभग आपका 7 को इसको क्रॉस करेंगे तो 52.14 डेज के हिसाब से आते हैं, तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली 53 डेज मान सकते हैं, यानी कि 52.6 थोड़ा ज्यादा दिन लगते हैं अपन अप्रोक्सीमेटली इसको कितना मानते हैं 53 डेज, यानी कि एवरेज जो कलेक्शन पीरियड हुआ इसके अंतर्गत 53 डेज के अंतर्गत इसकी औसत अवधि आती है। अब ये तो हो गया इस फॉर्मूले से, अगर आपको इससे याद करना है नेक्स्ट फॉर्मूले से मंथ और डेज इन ईयर अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो, तो अब आपको डेटर्स टर्नओवर रेशियो याद करना पड़ेगा। डेटर्स टर्नओवर रेशियो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से ज्ञात हम करते हैं,
तो यहाँ पर हम रिपीट कर रहे हैं कि डेटा टर्नओवर रेशो का जो फॉर्मूला है वो क्या है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स कितनी आई थी इसमें, इसी एग्जांपल आपकी 3,50,000, एवरेज रिसीव कितनी आई थी यहां पर आपकी 45,000, ये हो गया आपका 7 times। तो डेटा टर्नओवर कितना हो गया इसमें 7 times। अब इसको इस फॉर्मूला फिट कर दीजिए, यानी 365 डेज है इन ईयर अपॉन 7 times, तो आंसर सेम आएगा 52.14 days। आई थिंक 53 days अप्रोक्सीमेटली, ये आंसर सेम रहेगा। फॉर्मूले इससे आप मल्टीप्लाई करें या इससे करें, आंसर में कोई विशेष अंतर नहीं आने वाला, आंसर सेम रहेगा। तब आपको आज एक्विटी रेशो के अंतर्गत जो डेटा टर्नओवर रेशो है और एवरेज कलेक्शन पीरियड है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है, ये आज अपन ने अध्ययन कर लिया है। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।